हेलो गाइज, आई एम आर्यन रीड्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे हो सारे? आई होप आप हमेशा की तरह एकदम मस्ती होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये मोडी ग्रीन टोन फोटो एडिटिंग। सो गाइज, इस फोटो एडिटिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि ये फोटो मैंने एडिट कैसे करा था और गाइज आप इस मोडी ग्रीन टोन कैसे डाल सकते हो। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखो और कोई पार्ट्स को मिस मत करना। और गाइज, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और गाइस, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ मैं डेली एक्टिव रहता हूँ। सो चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। सो ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको कलर ग्रेड करेंगे। तो गाइस, अभी तक आप लाइटरूम को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैंने इसका प्रीसेट बना रखा है, तो अगर आपको प्रीसेट चाहिए तो प्रीसेट लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। सो इसमें हम कलर टोन डालना स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ चलेंगे एडजस्टमेंट टूल पर, और एडजस्टमेंट टूल पर जाने के बाद गाइस सिंपली हम लोग इसमें एक्सपोजर को करेंगे माइनस साइड। इसमें थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है तो हम लोग इसको माइनस साइड कर लेते हैं, और इसके कॉन्ट्रास्ट को हम लोग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। और गाइज, इसका हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ाना है और शैडो को भी बढ़ा देना है गाइज इतना, और थोड़ा सा ब्लैक्स को बढ़ा देना है, और गाइज थोड़ा सा वाइट को बढ़ा देना है। सो इतना परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग सिंपली चलना है कलर टोन पे, और कलर टोन पे चलने के बाद गाइज हम लोग सिंपली इसके टेम्परेचर को प्लस साइड करना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग टिंट को करना है गाइज माइनस साइड। सो और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना सही है। उसके बाद हम लोग सिंपली वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है इतना, तो ये परफेक्ट है। अब गाइज हम लोग चलना है मिक्सर टूल पर। सो मिक्सर टूल पे आने के बाद गाइज हम लोग इसके ये रेड वाले को पहले हमें लुमिनस को बढ़ाना है, और इसके जो ह्यू है उसको थोड़ा सा प्लस साइड करना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग चलना है ऑरेंज टूल पे, और ऑरेंज टूल पे चलने के बाद हम लोग इसके थोड़ा सा लुमिनस को बढ़ाना है और सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है इतना, और इसका जो ह्यू है गाइज इसको हम थोड़ा सा माइनस साइड करना है। सो ये इतना परफेक्ट है। उसके बाद गाइज हम सिंपली चलना है ये येलो टोन पे, और येलो टोन का गाइज हम लोग ह्यू को करना है प्लस साइड, फुल प्लस साइड कर लेना है 100। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग सेचुरेशन को भी कर लेना है 100। सो इतना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली इसके लुमिनस को गाइज हम लोग कर लेंगे माइनस साइड। सो इतना सही है। उसके बाद गाइज हम लोग चलना है ग्रीन टोन पे, और ग्रीन टोन का गाइज हम लोग ह्यू को करना है मतलब 100 से कम यानी 50 करना है। सो इसको इतना कर लेते हैं, और गाइज इसके सेचुरेशन को हम लोग करना है फुल। सो 100 इसको कर लेते हैं, और लुमिनस को बढ़ा देना है ताकि इसमें जो ग्रीन है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, थोड़ा सा इसमें लाइट ऐड हो जाए। और इतना होने के बाद गाइस हम लोग सिंपली चलना है स्काई ब्लू टोन पे, और इसके सेचुरेशन को गाइस हम लोग थोड़ा सा डाउन करना है, और लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है, और ह्यू को कर देना है 100-100 कर देना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग चलना है ब्लू टोन पे, और ब्लू टोन के सेचुरेशन को गाइस हम लोग पूरा डाउन कर देना है, और इसके लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग चलना है ये पर्पल टोन पे, और गाइस पर्पल टोन पे हम लोग थोड़ा सा सेचुरेशन को इतना डाउन करना है और लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है। और गाइस इतना होने के बाद हम लोग सिंपली चलना है ये पिंक टोन पे, और पिंक टोन का सेचुरेशन को डाउन करना है इतना, और इसके से लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाना है। सो गाइस यहाँ पे ये इतना हो चुका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी ये थोड़ा सा फेस पे हमारे जो है ग्रीन ग्रीन आ गया है। सो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बाद में, वो लोग हम देख लेंगे। उसके बाद गाइस इतना होने के बाद हम लोग यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग इसको जो हमारे फेस पे ग्रीन टोन आया है उसको हटाते हैं। तो उसके लिए गाइस हम लोग सिंपली टिंट को थोड़ा सा आगे करना है, और गाइस इतना होने के बाद हम लोग सिंपली चलना है स्प्लिट टोन पे, और स्प्लिट टोन पे चलने के बाद हम सिंपली चलना है हाईलाइट पे, और हाईलाइट पे चलने के बाद गाइस हम लोग इसके जो ये बीच वाला जो डॉट है ये सेचुरेशन है गाइस, और ये ह्यू है। सो इसके ह्यू को हम लोग कर लेते हैं ग्रीन साइड, और इसके सेचुरेशन को हम लोग कर लेंगे 25। सो हम लोग इसके सेचुरेशन को देख लेते हैं, ये सही है। उसके बाद गाइज ये इतना सही है। उसके बाद हम सिंपली चलना है शैडो पे, और शैडो का गाइज ये जो हमारा ह्यू है इसको करना है ब्लू साइड, और इसके जो ह्यू है उसको कर लेना है 10 और 12, इतना कर लेना गाइज। सो इतना सही है। उसके बाद ये जो इधर हो गया थोड़ा सा तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से डन करना है, और इतना होने के बाद गाइज हम लोग सिंपली चलना है ये एडजस्टमेंट टूल पे, और गाइज यहाँ से चलना है कर्व पे, और कर्व पे गाइज हम लोग इसमें देंगे मोडी टोन, थोड़ा सा डार्क मोडी देंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसमें 3 डॉट बनाएंगे गाइज, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे गाइज। सो अब देख लो। उसके बाद हम लोग सिंपली ये वाले जो ये शैडो का पार्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग अप करेंगे इतना, और इसमें एक बीच में देंगे डॉट,
सो इसको इतना रखते हैं। और गाइज ये जो पार्ट है हमारा इसको थोड़ा सा अप करना है, सो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गाइज। उसके बाद ये जो हमारा मिड टोन मिड वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और ये हाईलाइट है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि हमारे जो बैकग्राउंड में जो ग्रीन टोन है वो थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाए। उसके बाद हमको सिंपली यहाँ से डन करना है, और डन करने के बाद गाइज हम लोग चलना है यहाँ से ये इफेक्ट टूल पे, और यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर को बढ़ाना है और क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ाना है, और हम लोग बिगनेट को थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं इतना, और थोड़ा सा डीएस बढ़ा लेना है। और गाइज उसके बाद हम लोग सिंपली इसमें थोड़ा सा ग्रेन्स ऐड करना है। सो आप मेरे फ़ोटो में देख सकते हो हर फोटो में मेरा ग्रेन्स ऐड होता ही होता है। और सिंपली अब हम लोग करें क्या करेंगे, हम लोग सिंपली चलना है ये वाले टूल पे, और यहाँ से गाइज हम लोग सिंपली इसका शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, और शार्पनिंग बढ़ाने के बाद गाइज हम लोग इसके नॉइज़ रिडक्शन को हम लोग बढ़ाना है थोड़ा सा, और ये कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाना है। सो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये डन हो चुका है, और जो थोड़ा सा हमारे फेस पे ग्रीन दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से चलेंगे कलर टूल पे, और गाइज यहाँ से हम लोग टिंट को कर लेंगे थोड़ा सा प्लस साइड। सो यहाँ पे ये सही है। उसके बाद गाइज अब हम लोग क्या करना है, और थोड़ा सा इसमें डार्कनेस ऐड करना है। सो सिंपली हम लोग यहाँ से चलेंगे गाइज ये वाले टूल पे। अगर आप गाइज प्रीमियम यूज़ करते होगे तो ही आप में ये होगा, और अभी तक आपने प्रीमियम को नहीं लिए होंगे तो आप में ये नहीं शो कर रहा होगा, आप में ये अनलॉक करने का बोल रहा होगा। सो आपको अनलॉक वर्जन चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम करो, मैं आपको वहाँ से दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। सो सिंपली हम लोग क्या करना गाइज, हम लोग ये प्लस आइकन पे चलना है, और उसके बाद हम लोग सिंपली एक राउंड जो सर्कल दिख रहा है इस पे चलना है, और यहाँ से एक राउंड सर्कल क्रिएट करना है। तो गाइज इसको इतना बड़ा क्रिएट करना है ये हमारे बॉडी के फिट हो जाए, और इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद गाइज हम लोग सिंपली इसको इन्वर्ट रेडियल ग्रेडियंट कर लेना है, और यहाँ से चलना है ये एडजस्टमेंट टूल पे, और इसके एक्सपोजर को हम लोग सिंपली यहाँ से कम करना है। सो आप देख सकते हो गाइज इतना होने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ से इस पर ये टिक है इस पर डन करना है। सो इतना होने के बाद हम लोग सिंपली एक बार और चल रहे हैं वापस इस पर, और इस प्लस सेकंड पे चलना है, और सिंपली हम लोग यही वाला सेलेक्ट करना है, और एक और बनाना है ऐसे सर्कल, और ये हमारे फेस पे रखना गाइज ऐसे, और एडजस्टमेंट टूल पे चलना है, और थोड़ा सा इस एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। सो इतना सही है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे गाइज, यहाँ से डन करना है, और डन करने के बाद आप देख सकते हो ये बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। और गाइज मैंने और क्या करा था, जो हम करे थे इसमें एक लेंस फ्लेयर, वाइड लेंस फ्लेयर का पीएनजी यहाँ पे ऐड किया था। सो आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाकर वो ऐड कर सकते हो। सो ये इतना सही है। उसके बाद गाइज हम लोग सिंपली अब इस पर हम लोग अपना प्रीसेट को ऐड करेंगे। सो ये इतना हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसको डन कर यहाँ से सेव कर लेते हैं। सो सेव टू डिवाइस कर लेना है गाइज यहाँ से। सो गाइज यहाँ पे सेव हो चुका हमारा पिक, और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो हम लोग कलर टोन दिए हैं उसको हम लोग हटाना है। और गाइज यहाँ से हम लोग सिंपली पूरा नीचे चल जाना है, और वहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रीसेट का ऑप्शन, इस पर चलना है और यहाँ से ऑल कर लेना है। सो गाइज हमारा यहाँ हो चुका है। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है इस पर चलना है वापस, और यहाँ से ऐड फोटो पे चलना है, और यहाँ से गाइज थ्री डॉट दिख रहा हो आपको। सो सिंपली हम लोग ये जेपैग और ये वीडियो को अनटिक करना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा रॉ आ रहा हुआ, जो मैंने इसका प्रीसेट बनाया था वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको इसमें ऐड करना है। सो गाइज यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद सिंपली हम लोग इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद गाइज हम लोग इसके सेटिंग को कॉपी कर लेना है। सो यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ये टिक कर देना है। और गाइज यहाँ से सिंपली हम लोग चलना है अपने ये वाले फ़ोटो पे, और यहाँ से इस पर टैप करना, और यहाँ से थ्री डॉट आपको दिख रहा हो इस पर चलना है, और यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना है। सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो इस प्रीसेट परफेक्ट काम कर गया। और गाइज आप अपने फोटो में जब आप ऐसे एडिट करो, सो आप यहाँ पे लेंस फ्लेयर लगा लेना। सो गाइज मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।